छे बंदे तो इन्हां दे घर ही है बच्चे पराने सवेरे सवेरे तैयार होके राणू बुआ दे घर पहुंच गए। राणू बुआ नूं देणा हुण सरप्राइज, वेट कर रही है साडा। हैलो की हाल ने? आ सीन कट देंगे कोई नहीं। मैं तो दस रही थी कि हैंड वॉश करके खिलाऊंगी। अच्छा हैंड वॉश, भाई कोविड का पूरा प्रोटोकॉल का ध्यान रखा जाता है यहाँ पे इनके घर पे। आओ जी आओ। थैंक यू वेलकम होम। चलो जी चलो। हाँ जी धुप से करो तुसी। सारे बाहर ही आ गए। अगला व्लॉग भी तो तैयार करना सी। लाला जी बैठे। लाला जी बच्चा पार्टी। लो कैसे आप? ठीक हो? अब पिंक वाली स्लाइम लेना है। हाँ किदी है? मेरी है। तेरी केड़ी वाली है? पहला दस। पिंक। पिंक केड़ी होंदी है? पिंक आ होंदी है। पहला मैं दस केड़ी होंदी है? आ होंदी है। केड़ी आ होंदी? ले तो दो लो लेती हैं। रिहाल क्रिकेट टीम पूरी टीम इन्हां दे घर ही है। अद्धी छे बंदे तो इन्हां दे घर ही है बच्चे न्याणे। आ देख लो आउट है। बाहर मारता तू। बन्नी मेरी बारी है। मेरी है। तू कौन है? मैं तो बन्नी है। हनी बन्नी। जसनीत दी बारी है। देख लो छोटा सचिन। बनी सिंह इज ऑन बैटिंग। आगे बॉल सेट कर रहे हैं। तक गया, बच गया। फील्डर तो आया नहीं कैच। इधर आएगा साडा मशहूर बॉलर। आ देखो असी पौड़ियां ते पतंग बन के आ गए सीगे। ओ हाय ता कुड़ी है चाचू का नाम पम्मा रियल। चलो तुसी बोल पाओ। दसना जब मैं किसी दुकान से मतलब पिज्जा प्लैनेट वाली दुकान से जाने ना, मैं उन्होंने कहता तो मेरे वाला बर्गर बना दो। अच्छा। और उन्होंने पता लग जाता कि चीज बर्गर बनाना होता। किस चीज का बर्गर बनाना? चीज पाके बर्गर बनाना। तो इधर अंदर तो मैंने दिखी नहीं रही चीज। क्यों नहीं आगी? आगी है। नहीं आगी। आज मैं आप नहीं गया। इसलिए सही नहीं बनाया उन्हें। मजा नहीं आ रहा। शिकायत करूंगा मैं। पैसे वापसी है। आ देखो बस हूं चलिए। हूं आ गया दे दो जान दी। चीज चीज। चलो वीर जी को पकड़ो। थक गया किन्नू? वीर जी को पकड़ो। वीर जी थक गया? आप थक गए आप? क्या है पीवी 12K 2345। और अब हम आए हैं ओही कैफे। ये एक नया कैफे खुला है यहाँ पे रोपड़ में, तो इसको चेकआउट करने के लिए आए हम कि कैसा है, क्या क्या मिलता है यहाँ पे। खुल्या
वेरी नाइस सिटिंग है, बहुत अच्छी सिटिंग है और कितना बढ़िया लग रहा है। अच्छी सिटिंग बनाई है बच्चे ना, यहाँ बैठना यहाँ पे। ले ली जगह अपनी, लूट ली। बढ़िया बनाया हुआ यार, और वहां सामने देख लो किसी की शादी चल रही है, उदा असं उत्थे भी जाके कुछ खा के आ सकते सी, तैयार तो असं हैगी है ना। वो किसी की शादी चल रही है अंदर, वहां पे भी खा के आ सकते थे। एक एक करके आइटम आ रही है, दिखने में तो बहुत जबरदस्त लग रही है, खा के देखते हैं कि खा के देखते हैं कि माल कितना जबरदस्त है। कैसा लगा खाना? अच्छा था खाना। क्या अच्छा लगा सबसे ज्यादा? चिली पोटैटो अच्छे थे, हमने अपने चिली पोटैटो भी खा लिए, फ्राइड राइस भी खा लिए, ठीक है। और इतनी भूख लग रही थी कि आपको चिली पोटैटो तो दिखा दिए मगर फ्राइड राइस दिखाने का टाइम नहीं मिला, आई एम रियली सॉरी। और बच्चों के लिए हमने फ्रेंच फ्राइज भी पैक करा लिए और अब हम जल्दी से यहाँ से निकलते हैं और आगे भी बहुत सारे काम करने हैं, क्योंकि बिकॉज शायद अगले व्लॉग में आपको पता चल जाएगा कि हम क्या बना रहे हैं आज स्पेशल सबके लिए। सबको पता भी होगा और सबको पता भी होगा क्योंकि वो हम बनाते रहते हैं काफी, तो इनको कुछ बना के खिलाना था। लगता चलो डिस्क्लोज कर ही देता हूँ, नहीं अगले वाले में करूँगा, अगले वाले में देखना। अपने टाइम के बाद ऑल्टो चला के इतना मजा आ रहा ना, इतना मजा आ रहा ना ऑल्टो चला के। पुरानी अपनी जेन वाली फीलिंग जो है ना, सारी फील वो ताजा हो गई, अपनी फीलिंग जो थी ना जेन वाली वो सारी ताजा हो गई। ये देख लो भाई, कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे जो रोपड़ में रहता, सारी ब्यूटी और सारी ये रोड अच्छी लग रही थी जेडी नीचे वाली है ना, इधर ही चलते हैं। पेट्रोल तेन मैं पिला रहा, तू 5 मिनट ठहर जाऊं, काम ना खराब करा दी बिच, तो पेट्रोल मुके ना एक राउंड मारना ही मारना। गाड़ी वापस मोड़ने की जगह है कि नहीं वहां, मगर भाई मेरे को बहुत जबरदस्त लगी और चलना ही चलना है। कुछ है भी इसके आगे मेनू नहीं पता, कुछ है या नहीं मेरे को ये नहीं पता, मगर व्यू बहुत तगड़ा है। ओए होए होए, अच्छा है ना बच्ची, कितना प्यारा लग रहा है। कहीं दूर जाके मतलब बैठने की लोड नहीं है, इतना अच्छा मौसम है आजकल, यहीं पे बैठे रहो और इतना शांत और इतना पीसफुल फील होता है ना अगर दिन के टाइम में बैठो। अब तो थोड़ी सी गर्मी होने लगी है, आज तो मेरे को इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी, इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी, बट बहुत ही अमेजिंग है यार यहाँ पे, बहुत ही अमेजिंग। सिर्फ यहाँ पे बैठे रहो और इस पानी को इंजॉय करो, इस व्यू को इंजॉय करो। और अंदर फुटबॉल कोर्ट है, बहुत बड़ा पूरा फुटबॉल कोर्ट बनाया हुआ अंदर। मेरे को नहीं पता ये रोड कहाँ जा रही है, मगर स्पेशली मैं ये रोड देखने आया हूँ स्पेशली, क्योंकि मैंने बहुत वधिया लगी। और यहाँ पे जो ठंडी हवा लग रही है ना, वो तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। दिल्ली में ऐसी चीज़ें मिलती नहीं है ना, तो ऐसी चीज़ें हमें यहाँ देख के ही कहनी चाहिए। ये देखो कितनी ज़बरदस्त लग रही है, ये बोट है, बोट पता नहीं की है, लोहे दी है सारी, ये पता नहीं अंदर तैरनी थोड़ी है तो डूब जाएगी, इतनी हैवी कुछ मैंने लग रहा है मशीन वगैरह लगी हुई है ऊपर। ये देखो कोई मशीन लगी हुई है, कुछ काम वाम की होगी इनके, मगर बोट वाली शेप बनाई हुई है पूरी। और यहाँ पे लोग बैठ के अपनी फोटो खिंचवा रहे हैं, कितना प्यारा लग रहा है यहाँ का व्यू। और सुप्रीत इधर खड़ी हुई है और इन्जॉय कर रही है ये व्यू। और ये पेड़ कितने प्यारे लग रहे हैं, मतलब कितना नेचुरल सा है ना, कितना अमेजिंग सा लग रहा है यहाँ पे आके। हेड ही आ गया है तो सामने, मैनू पता नहीं चल रहा सी कि कहड़ी जगह पर आ गए सी, ये हेड आ गया रोपड़ का मेन। जब हम वहाँ वाले रास्ते से आएंगे ना, उधर वाले रास्ते से जो वो जहाँ पे वो लोग बैठे हुए हैं, जहाँ वो लोग बैठे हैं, ये रास्ता ऐसा करके जाता है और वहाँ पे एक नया रेस्टोरेंट वगैरह कुछ खुला है, मेरे को बुआ बता रही थी इस बार, तो हम जाएंगे वहाँ पे भी। चप्पल क्यों पहन के आए हो, कितनी गंदी लग रही चप्पल। दिखाई नहीं स्पेशल जो बंदे खान आए थे आपको, देख लो जा रहे हैं रात नू 11:30 बजे। ओए दस कुछ कहना चाहते हो? नो नो। अच्छा माता रानी, नहीं एक तो गल दस जा, माता रानी मल्ले जाग दो इन्ने टाइम तक? नो नो। चलो जी थैंक यू फॉर कमिंग, टेक केयर, बाय 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 बाय।
पापा कुछ बोल रहा हूं तेरे लिए चलाई वीडियो में क्या बोल रहा मैं चांप तो दस दे किवें दी सी चांप एन बढ़िया एन बढ़िया ते कॉफी कॉफी मैं पीती नहीं व्हाट वेंट रॉन्ग मैंने बोला था ना तो क्या रॉन्ग हुआ था ये भी सुन लो रॉन्ग ये हुआ था कि स्वाद स्वाद में जमकर खाया और इतना ज्यादा खा लिया उसके बाद इतनी तकलीफ हो गई कि बुआ के घर से आने के बाद पेट हो गया खराब और गैस हो गई बहुत ज्यादा क्योंकि इतना ज्यादा सामान बना दिया था बुआ ने इतना ज्यादा सामान बना दिया था खा खा के पेट फाड़ लिया और लालच हो गया पता नहीं किस बात का क्योंकि इतना टेस्टी बनाया था और बुआ से इतने टाइम बाद मिले थे रादर देन उनके हाथ बैठ के टाइम स्पेंड करने से ज़्यादा हमने खाने में कॉन्सेंट्रेट कर दिया मेरे को लग रहा है और इसीलिए ज़्यादा पेट थोड़ा सा अपसेट हो गया था। बाकी उन्होंने बहुत प्यार से वेलकम किया उनके साथ हमेशा जाके बहुत ज़्यादा मज़ा आता है और जल्दी से मिलेंगे उन्हें आगे भी फ्यूचर में और आई लव यू बुआ टेक केयर। अगर वीडियो को यहाँ तक देख लिया ना और अभी भी लाइक नहीं किया तो यार मैं क्या ही बोला हूँ तुसी कर दो बस मैं कुछ बोलना नहीं चाहता। वीडियो यहाँ तक देख लिया तो प्लीज़ उसको लाइक करना शेयर करना सब्सक्राइब करना और जल्दी से मिलेंगे इसी तरह किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी।